आजकल में आप देखते होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे, किसी को ये बीमारी, किसी को डायबिटीज, किसी को अस्थमा। नदियों का रौद्र रूप होगा, अंबर तक जल ही जल होगा, एयर कंडीशनर में जीने वालों सर्वनाश तुम्हारा कल होगा। आजकल में आप देखते होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे, किसी को ये बीमारी, किसी को डायबिटीज, किसी को अस्थमा। जो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, सब चीज़ें हैं, क्या देखते हैं इसको? क्या कुछ है आपके इसके पिटारे में कुछ इसके लिए भी? नहीं नहीं, इसके लिए भी है और इसको लेके चिंता भी बहुत ज़्यादा है। हमारा खान पान, रहन सहन इतना बिगड़ गया पिछले कुछ वर्षों में। मुझे लगता है कि कविता पहुँचे तो उसके साथ साथ एक विषय लोगों तक पहुँचे और लोग उस पर बात करें, सोचें, जितना ठीक कर सकते ठीक करें, तो मेरा कवि होना सार्थक है। तो वायुमंडल कविता अगर आप कहें तो चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। बिल्कुल। आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, 49, 50, 51। आज धरा का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, इंसान सहमता है थोड़ा, पक्षी का घर मर जाता है, मर जाता बेग हिमालय का, पृथ्वी की सांसें थमती हैं, इस तापमान के बढ़ने से व्याध देह में रमती हैं, गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता। सागर का स्तर बढ़ रहा है और भूजल स्तर डाउन चला गया। गर्म होते थोड़े सावधान, सागर का स्तर ना बढ़ता, जंगल में ज्वाला ना होती, धरती पर सूखा ना पड़ता, कड़कड़ अब छिन्न भिन्न होता, मिट्टी भी अब चिल्लाती है, पत्थर पत्थर अब रोता है, हिमशिला पिघलती जाती है, अंकुर अंकुर अब फूटेगा, अब दर्द भरी बसुदा होगी। क्या होने वाला है? अंकुर अंकुर फिर फूटेगा, फिर दर्द भरी बसुदा होगी, खाने को दाना ना होगा, पानी की बूंद हवा होगी। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा, टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ये आधुनिकीकरण और तकनीकी का कल तुमको ले डूबेगा, अगर जल को संरक्षित नहीं किया तो जल तुमको ले डूबेगा। नदियों का रौद्र रूप होगा, अंबर तक जल ही जल होगा, एयर कंडीशनर में जीने वालों सर्वनाश तुम्हारा कल होगा। जंगल भूतल हो जाएगा, सागर का नीर जहर होगा, लोगों की देह नील होगी, प्रंगारमयी शहर होगा। प्रंगार कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? लोगों की देह नील होगी, प्रंगारमयी शहर होगा, प्रंगारमयी होगा शरीर, प्रंगार युक्त मानव होगा, वो वक्त जल्दी आएगा, प्रंगार महादानव होगा। रक्त सरा दूषित होगी, सौ सौ तक धुआं भरा होगा, अंबर में आग लगी होगी, हर इंसान पर पहरा होगा, न रंगों की होली होगी, न धरती हरियाली होगी, काला पानी हो जाएगा, फसलें भी काली होंगी। तो अब जंगल, धरती, सागर, अंबर सबको जलने से तुम रोको। क्या क्या होने वाला है मैंने दृश्य दिखा दिया और ये डराने के लिए दिखाया, अगर आप डर गए तो मैं सार्थक हो गया काम। तो अब जंगल, धरती, सागर, अंबर सबको जलने से तुम रोको, वायु में, जल में और नभ में विष को पलने से तुम रोको। अब समय नहीं है जानो कि क्या अंदेशा है हालत का, वही बात है, अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत करो, अब डाटा इकट्ठा मत करो कितना नुकसान हो चुका, हो चुका। अब समय नहीं ये जानो कि क्या अंदेशा है हालत का, तर्क वितर्क छोड़ दो यारो, ये वक्त नहीं वकालत का, अब एक हुंकार भरो यारो, आज प्रतिज्ञा तुम कर लो, हर व्यक्ति वृक्ष का प्रेमी हो, इनको बहाव में तुम भर लो, सीने से लगा लो वृक्षों को, सत्ता से कह दो और नहीं, और कार्बन से कह दो तेरा धरती पर ठोर नहीं, इस महाप्रलय और सर्वनाश से शायद तब बच पाएंगे, शायद फिर कुछ अच्छा होगा, कुछ सदी और जी जाएंगे। पर्यावरण वेद बताते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं, ऐसा चलता रहा तो 50 साल की सभ्यता शेष है, सब नष्ट हो जाएगा, शायद फिर कुछ अच्छा होगा, कुछ सदी और जी जाएंगे, अन्यथा काल के तांडव का फिर रौद्र रूप दर्शन होगा, मानव समाज मिट जाएगा, महाकाल गर्जन होगा, भू पर लाशें चलती होंगी और अंधकार छा जाएगा, अगर आज नहीं संभले तो फिर वायुमंडल खा जाएगा, अगर आज नहीं संभले तो फिर वायुमंडल खा जाएगा। वाकई खा जाएगा, जिस तरह से आप भी इसी गर्मी में आप देखो टेम्परेचर 51-52 जा रहा है, 52 तक जा, तो ये सोचने का विषय तो है ही बाकी। और इस पर जिस तरह से आपने जो कविता लिखी है, हर पहलू को आपने बताया भी बड़े अच्छे से, तो पब्लिक उसको देखे, समझे और सब अच्छा हो, हम तो ये कहेंगे निश्चित रूप से काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल।